चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड की चली होगी। अच्छा जी यहाँ पे देखें, अब आपके पास ये स्क्रीन नजर आ रही है पूरी, ठीक है। इसमें देखें साइड पे लिस्ट है और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है। मैं लिस्ट में से कोई भी आइटम सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज ये सिलेक्ट करता हूँ, तो इसकी डिटेल आ जाती है। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी डिटेल आ जाती है, ऐसे ही है। वैसे ये कितना अजीब लगेगा, मैं यहाँ से आइटम सिलेक्ट करूँ तो एक विंडो नहीं ओपन हो जाए उसके ऊपर चीजें हैं, फिर मैं बैक आऊँ फिर यहाँ से लिस्ट से आइटम सिलेक्ट करूँ फिर वो पूरी विंडो ओपन हो जाए, और इस तरीके से अगर चीजें आ रही हो तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा मतलब आप चाहेंगे कि ये कन्वीनियंट नहीं है इसको। कैसे क्या बता रहे हैं? सर वो दूसरे किसी को करना था, आपको हो गया। अच्छा जी, अच्छा अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही स्क्रीन के ऊपर अगर होना ये सब कुछ हो, तो हम क्या करें आपकी स्क्रीन की फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है जी। जो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी थ्रेडिंग पड़ी? यस सर। यस सर। क्या होती है जी मल्टी थ्रेडिंग? यस सर वो एक सर मल्टीपल टास्क को ना इंस्ट्रक्शन में डिवाइड में स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करती है सर वो मल्टी थ्रेड। सही है। अच्छा ठीक है, कोई और? सर एक प्रोसेस को सर एक सब प्रोसेस, प्रोसेस में चेंज कर। सर एक प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो कि उस प्रोसेस को जल्दी सॉल्व आउट करने में हेल्प करते हैं। और कोई कुछ आप सर कोई प्रोसेस हमारे पास था जिसके जिसको हम सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें हमारे लिए हमारे पास हम समझ गए कि एक हमारे पास कोई एक जो सेगमेंटेशन है उसके सब पार्ट डिवाइड कर सकते हैं जो जो इंडिपेंडेंटली वर्क भी कर सकते हैं, सही है। डिपेंडेंटली भी कर सकते हैं वर्क, और इंडिपेंडेंटली अगर करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। हम उनको डिवाइड करते हैं, वो अलग अलग जो स्पेसिफिक टास्क है वो अलग अलग परफॉर्म होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग मेन बेटा वो पूछ रहा हूँ, मल्टी थ्रेडिंग, सर मल्टी थ्रेडिंग पूछ रहा हूँ। यही है कि हम एक कोई प्रोसेस है उसका सब पार्ट बना देते हैं। सही है, सही है। हाँ ठीक है। अब सबका जॉब ठीक है? ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि आपका गलत है, सबका ठीक है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग होते क्या है, लेट्स सपोज एक कंप्यूटर है, उसके पास एक प्रोसेस तो नहीं है ना, ठीक है, उसके पास यस मल्टीपल सर। प्रोसेसेस है, ठीक है। तो लेकिन कंप्यूटर इतना फास्ट होता है, अगर उसको मल्टीपल प्रोसेसेस दे तो वो चलाता ऐसे ही है जैसे वो हर प्रोसेस को अलग अलग जो है वो चला रहा है, हालांकि वो क्या कर रहा था, हर एक को बिल्कुल नैनो सेकंड जितना टाइम दे के पैरेलल चला रहा होता है, ऐसे ही है ना, लेकिन एक्चुअली नहीं यस होता, सर। ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जैसे ही स्विचिंग आपके हो रही होती है सर। प्रोसेसेस जो है हैवी आ गए, ठीक है, आपके प्रोसेस प्रोसेस हैवी आ गए, लेट्स सपोज ये एंड्रॉइड स्टूडियो एक बड़ी हैवी एप्लीकेशन है, मैटलैब हैवी एप्लीकेशन है, पाइथन अगर आप पाइथन पे काम करते हैं हैवी एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये हैवी एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब इन एप्लीकेशन को अगर सिस्टम चलाने लग जाए ना, तो हर एक को टाइम दिया तो सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज लोड करवाना और वो पहले डाटा उठा के हार्डवेयर में फेंकना, हार्डवेयर से डाटा रैम में लोड करना, तो उसके लिए बड़ा ये मसला हो जाता है, ठीक है। तो आप रैम बड़ी लगा लिया, बिल्कुल लेकिन रैम बड़ी लगा के फिर भी क्या हुआ कि आपके पास प्रोसेसेस इतने ज्यादा हो गए कि उनको एक सीपीयू हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि एक जो सीपीयू है उसके अंदर एक ही थ्रेड होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर कोर्स का ऑप्शन आया कि आप मल्टीपल कोर्स जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हर एक सर। कोर्स मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल सीपीयूज लग गए, ठीक है। सीपीयू एक सीपीयू एक कोर है, ठीक है। आपने तीन सीपीयू लगा लिए, ठीक है जी। अब वो हर सीपीयू तीन अपने तीन प्रोसेसेस को एट अ टाइम देना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपके पास 100 प्रोसेसेस है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हर एक सीपीयू कम से कम चले जी 15 प्रोसेसेस को करे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब उन्होंने क्या किया, हर सीपीयू के ऊपर थ्रेड्स जनरेट कर दिए। थ्रेड्स क्या कहते हैं, वैसे थ्रेड को कहते हैं धागा। अब उसमें एक यस जगह से सर। दूसरी जगह रहने का एक ही पास था, उन्होंने दो थ्रेड बना दिए, दो रस्ते बना दिए, मतलब दो धागे लगा दिए। पहले एक धागे पे काम हो रहा था, अब उन्होंने दो धागे लगा दिए, ठीक है। यानी कि एक सीपीयू के ऊपर दो प्रोसेसेस एट अ टाइम चल रहे हैं, ठीक है। ये होती है मल्टी थ्रेडिंग, समझ आइए। तो इससे सर क्या होगा कि आपके पास तीन सीपीयू हैं, हर सीपीयू पे दो थ्रेड्स हैं, यानी कि तीन कोर्स के ऊपर दो थ्रेड्स, छह आपके पास थ्रेड हो गए, यानी कि आपका सीपीयू एट अ टाइम, यानी आपका सिस्टम जो है एट अ टाइम छह प्रोसेसेस को पैरेलल चला सकता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल
कंप्यूटिंग और मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, कि आपके पास कोर एक ही है लेकिन उसके ऊपर आपने मल्टीपल थ्रेड्स लगा दिए और उन थ्रेड आपका जो एंड्रॉइड बेसिकली या जावा है ये बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग सपोर्टेड है। बहुत कम लैंग्वेजेस होती हैं जो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्टेड होती हैं, जिसमें से जावा भी एक है। मल्टी थ्रेडिंग ये है कि ये एक मतलब एक टाइम में मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर सकता है, तो क्यों ना उसी फंक्शनैलिटी को जो है अपने एंड्रॉइड के अंदर हम अवेल करके अपने एंड्रॉइड की फंक्शनैलिटी को एनहांस कर दें, ठीक है। तो अगर जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है तो हम चाहिए कि हम एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर ले। इसी तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैं बता रहा था फ्रेगमेंटेशन की, कि आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीजें, लेट्स सपोज अगर आप एंड्रॉइड के अंदर सिर्फ आप मोबाइल स्क्रीन तो नहीं आती ना, आपकी एलईडीज आती हैं, आपकी टैब्स आती हैं, आपकी बड़ी स्क्रीन भी आती हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर आप सिंपल एक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स शो करवा रहे हैं, बढ़िया बड़ा जो है वो अनरियलिस्टिक सा हो जाता है। तो इस तरह की चीज को आपके ओवरकम करने के लिए क्या है कि आप फ्रेगमेंटेशन करते हो, अपनी स्क्रीन के फ्रेगमेंट्स बना के उसके ऊपर मल्टीपल कंटेंट्स जो है वो लोड करवा सकते हैं, जिससे आपको आप कन्वीनियंट भी रहते हैं और आपकी स्क्रीन की जो है वो यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है जी। तो यही है कि आपकी जो एंड्रॉइड ऐप का जो डिजाइन जो गोल होता है वो यही होता है कि आप एक कंसिस्टेंट जो है वो और एक प्लेजेंट जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने यूजर को एक्सपीरियंस करवाने के लिए। अच्छा जी, तो आपके जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको ये एनहांस करता है, ठीक है। उस अलावा डिजाइनर्स के अंदर वो भी मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक स्क्रीन है वो उसमें चीजें खाली हैं तो उसको भी आपने एनहांस करना है, तो ये डिजाइनर्स के लिए भी एक चीज है, तो डिजाइनर्स के ऊपर भी एक चैलेंज आ जाता है कि वो उन स्क्रीन को एनहांस करें और उसकी यूटिलाइजेशन को आप लेके आए, ठीक है जी। तो फ्रेगमेंट्स जो है बेसिकली क्या है, आपका सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कर रहा था तो आप फ्रेगमेंट्स के थ्रू उस मल्टीटास्किंग को भी जो है वो अडॉप्ट करके आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि एक ही टाइम के ऊपर आप मल्टीपल जो है वो किस्म के प्रोसेस जो है वो रन करवा रहे हैं। उसके बाद आपके पास लार्जर डिवाइसेस होती हैं, टैबलेट्स हैं, टीवी सेट्स हैं जिनके जो एंड्रॉइड को सपोर्ट कर रहे होते हैं या मोबाइल कंप्यूटिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी आप उसकी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। जिस तरह वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन ही हुई होती है, फ्रेगमेंटेशन के टॉपिक से नहीं पढ़ाई जाती लेकिन वो जो डिप लगा रहे होते हैं रन टाइम के ऊपर वेब के कंटेंट्स से चेंज होते हैं, बाकी स्क्रीन वही रह रही होती है, तो बेसिकली एक टाइप की वो फ्रेगमेंट्स ही हो रही होते हैं, ठीक है। तो आप रन टाइम के ऊपर जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी फ्रेगमेंट क्या है कि आप डायनामिकली अपनी स्क्रीन के साथ जो है वो जीयूआई कंपोनेंट्स जो है अटैच कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपको फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हर फ्रेगमेंट जो है वो उसका अपना एक व्यू होता है, हर फ्रेगमेंट का, जिस तरह हर एक्टिविटी का अपना व्यू है इसी तरह हर फ्रेगमेंट का अपना एक व्यू होता है, ठीक है। और हर फ्रेगमेंट जो है वो एक एक्टिविटी की बाउंड्री के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको उसका होस्ट कहते हैं, यानी कि कोई भी फ्रेगमेंट है, जिस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए कोई होस्ट एक्टिविटी दूसरी नहीं चाहिए होती, एक्टिविटी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो खुद को खुद ही क्रिएट भी कर सकती है और स्टार्ट भी कर सकती है। लेकिन फ्रेगमेंट एक ऐसी जो है वो फंक्शनैलिटी है जिसको जो खुद बहुत स्टार्ट नहीं हो सकती, उसको स्टार्ट करने के लिए एक एक्टिविटी जो है वो जरूर चाहिए होती है, चाहे उस एक्टिविटी के अंदर कुछ भी ना हो लेकिन उस एक्टिविटी का ही काम है कि वो फ्रेगमेंट को जो है वो लोड करवाए, तो फ्रेगमेंट जो है वो उस एक्टिविटी की बाउंड्री के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। उसके बाद क्या है, एक होस्ट एक्टिविटी GUI में एक्सपोज एनी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, कि आपकी जो GUI एक्टिविटी है, जो आपकी होम एक्टिविटी है, वो जरूरी नहीं है सिर्फ एक फ्रेगमेंट हो, उसके अंदर वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जो है वो शो करवा सकती है, उनको इम्बेड करवा सकती है, ठीक है जी। फ्रेगमेंट्स क्या है, बिहेव एज इंडिपेंडेंट थ्रेड, जैसा मैंने अभी आपको बात की थी थ्रेड्स की, ठीक है। फ्रेगमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट थ्रेड की तरह होते हैं, वो मतलब अपनी फंक्शनैलिटी खुद पे चल रहे होते हैं, जब आप एक दफा फ्रेगमेंट स्टार्ट कर दिया
तो उसका अपना एक यानी कि इंडिपेंडेंट चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका अपना एक साइकिल है, ठीक है, वो अपने साइकिल को कंप्लीट करेगा। जिस तरह एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल है ना, इसी तरह इसका मतलब है कोई फ्रेगमेंट का भी अपना एक लाइफ साइकिल होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। एनी क्वेश्चन? जी बच्चे अच्छा जी, जो आपके फ्रेगमेंट हैं इसका मतलब मैंने बताया कि वो इंडिपेंडेंटली किसी थ्रेड पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका अपना एक पूरा जो है वो लाइफ साइकिल होगा और अपना उसका एक गोल होता है। गोल मतलब यह है कि उसको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली वैसे तो उसको डिजाइन नहीं करेगा, कोई टास्क परफॉर्म करेगा। हाउएवर ईच कैन रन इट्स ओन आईओ इवेंट्स एंड बिजनेस लॉजिक, ये एक समझने की बात है कि हर जो फ्रेगमेंट है उसके अपने इवेंट्स होते हैं, अपनी बिजनेस लॉजिक होती है और अपने आयो होते हैं। आयो मतलब इनपुट आउटपुट, यानी कि आप फ्रेगमेंट के ऊपर इनपुट आउटपुट भी कर सकते हैं और हर उसके ऊपर इवेंट्स भी लगा सकते हैं। इवेंट्स कौन से थे आपके, जो ऑन आइटम सिलेक्टेड, ऑन क्लिक, ऑन टच, ये सारे जो है वो ऑन स्वाइप, ये सारे इसके इवेंट्स हैं। मतलब ये कि हर फ्रेगमेंट के अंदर जो है ये इवेंट्स में होंगे और आयो भी होगी। आयो मतलब यूजर इनपुट, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकती है, वो किसी स्पिनर, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। लेट्स सपोज आप लॉगिन ही करते हैं, आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, आपने कोई बाय करने रहे हैं, वो कहता है पहले लॉगिन हो, तो आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन पॉप होती है, वो क्या है आपका बेसिकली एक फ्रेगमेंट है। एक फ्रेगमेंट जो है रन टाइम पे उसके अंदर लोड होता है, ठीक है, डायनामिक फ्रेगमेंट। तो वो क्या होता है, आप उसको यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं और अगर वो पासवर्ड ठीक है तो वो आपका फ्रेगमेंट जो है वो डिटैच हो जाता है और आप उसमें लॉगिन हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अपनी आयो को भी ये हैंडल कर रहा है। उसके साथ साथ क्या है, फ्रेगमेंट कुड एक्सेस ग्लोबल डाटा। हाँ जी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेगमेंट जो है वो ग्लोबल डाटा को भी एक्सेस करता है, क्योंकि फ्रेगमेंट एक क्या है कि एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, वो किसी क्लास के इवेंट्स को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ ग्लोबल डाटा को, यानी कि जो ऐसे डाटा मेंबर्स जिनका जो स्कोप है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि वो किसी API को भी एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब ठीक है। हेल्ड इन द मेन एक्टिविटी, एग्जैक्टली, जो ग्लोबल डाटा मेन एक्टिविटी के अंदर है वो टू विच दे रहा। लाइकवाइज दे कुड सेंड वैल्यूज टू देयर ऑन टू मेन एक्टिविटी फॉर पोटेंशियल डिस्पेंशन फॉर अदर फ्रेगमेंट्स, यानी कि एक एक फ्रेगमेंट ने दूसरे फ्रेगमेंट को अगर डाटा भेजना है तो वो डाटा वो अपने मेन एक्टिविटी को सेंड कर सकता है, ठीक है, हाँ, उस फ्रेगमेंट को वो डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है जी। हर फ्रेगमेंट का अपना एक लाइफ साइकिल है, वही बात आ गई कि अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका अपना एक लाइफ साइकिल होगा, इन विच ऑन क्रिएट व्यू मेथड डज द मोस्ट ऑफ वर्क इन टू मेक, जिसके अंदर ऑन क्रिएट व्यू का जो फंक्शन है ठीक हो गया, जिस तरह यानी कि उसका अपना एक पूरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, जिस तरह हमारी मेन एक्टिविटी का होता है उसके अंदर होता है ना ऑन क्रिएट व्यू और ये सारे फंक्शनैलिटी, ऑन ऑन स्टॉप, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज। तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्रेगमेंट है इसके अंदर भी ये फंक्शन मौजूद है, जिसके अंदर वो बता रहा है कि आपका जो ऑन क्रिएट न्यू मेथड है वो इसका मेन मतलब जो उसके मोस्ट जो काम है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, जिस ये एक उसमें एग्जांपल दी हुई है, आपकी जो मेन एक्टिविटी है जिसके अंदर ये अराउंड ये जो रेड है ना बाउंड्री, ये आपकी मेन एक्टिविटी, आपकी एक स्क्रीन है, इसके ऊपर उसने तीन फ्रेगमेंट्स लगाए हुए हैं, दो फ्रेगमेंट्स उसने ये लगाए हैं, एक फ्रेगमेंट ये लगाया। अब उसका जो मेन काम है कि आपका जो फ्रेगमेंट वन और फ्रेगमेंट टू, ये दो फ्रेगमेंट्स हैं, ये उसने काइंड ऑफ बनाए हुए हैं, जैसे ये सिलेक्शन है, ठीक है। अब फ्रेगमेंट वन को सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा क्या होगा, आपके पास फ्रेगमेंट थ्री पर शो हो सकता है, ठीक है। अगर आप फ्रेगमेंट टू को सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये दो फ्रेगमेंट उसने पिक्सल कर दिए, इन दो फ्रेगमेंट्स के ऊपर ऑप्शन पड़े हुए हैं, फ्रेगमेंट वन का ऑप्शन, फ्रेगमेंट टू का ऑप्शन, और यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिकली बाइंड होगा, जो भी डाटा आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने डाटा सिलेक्ट किया उसकी ये पोजीशन उठा के और उसका डाटा यहाँ पे लोड करवा देगा, ठीक हो गया, समझ आ गई है, थोड़ी बहुत समझ आई थ्योरेटिकली। आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने स्टार्ट में सिर्फ एक बटन लिया और टैक्स लगाया और
आपने जो डाटा बटन पे इंसर्ट किया वो टेक्स्ट व्यू में शो कर दिया, तो टेक्स्ट व्यू हमारा वो भी फ्रैगमेंट की तरह उधर बिहेव कर रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये बेसिकली एक जीयूआई का कंपोनेंट है। फ्रैगमेंटेशन क्या है कि आप अपनी स्क्रीन के लेआउट्स को, अपनी स्क्रीन को जो है उसके फ्रैगमेंट बना रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे। हाँ, उसको डिवाइड करें यार। आप बूटस्ट्रैप पढ़िए ना, समझ आ रही था, समझ आ रही था। हाँ हाँ, उसमें बूटस्ट्रैप में भी यही होता है, ठीक है। उसमें भी टेबल्स और रोज और कॉलम्स बने होते हैं, आप हर एक कॉलम जो कॉलम स्पेस के हिसाब से डिवाइड करके अपनी स्क्रीन के लेआउट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें यह है कि वो कॉलम लेआउट्स नहीं होते, इसमें वो आप डायनामिकली ही मतलब आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसी स्क्रीन पे आपने ये फ्रेगमेंट लगाना है, इसी स्क्रीन पे आपने ये फ्रेगमेंट लगाना, और इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये उसका लाइफ साइकिल है, ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन पॉज, ऑन डिटैच, ठीक है जी। ये उसका लाइफ साइकिल है। ऑन अटैच क्या, ये कब होगा, जब भी आप कोई भी होस्ट एक्टिविटी के साथ जो है वो फ्रेगमेंट कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ऑन क्रिएट है, जो इनिशियलाइज करेगा नॉन विजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑन क्रिएट व्यू के अंदर जो ज्यादातर काम है वो ऑन क्रिएट व्यू के अंदर हो रहा होता है, यहाँ से वो अपना एक व्यू क्रिएट कर रहा होता है। जैसे ही व्यू क्रिएट होता है उसके बाद ऑन क्रिएटेड व्यू एक फंक्शन है, वो यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपके साथ अपना कोड जो है उसकी स्क्रीन दिखाता हूँ, उसमें आपको दिखा देता हूँ मैं। एक और फंक्शन इसके अंदर होता है ऑन व्यू क्रिएटेड, मैं कोड चेक कर रहा हूँ आपके साथ, ये होता है। ये एक मैंने कोड लिखा था, इसके अंदर ये मैंने एक फ्रेगमेंट बनाया था, बाकी चीजें छोड़ दे, मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको इसका फ्लो समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये तीन फंक्शन आप देख लें। ऑन क्रिएट ये कॉल होता है, उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू, ऑन क्रिएट व्यू से ये रन करता है, और जैसे ही व्यू क्रिएट होता है उसके बाद ऑन व्यू क्रिएट, ये तीनों ओवरराइड हुए हैं फंक्शन। ओवरराइड का मतलब है कि ये फंक्शन फ्रेगमेंट की पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप मेन एक्टिविटी जब भी जनरेट करते हो आप क्या करते हो, आपने एक मेन एक्टिविटी को एक्सटेंड करते हो ऐप कंपैटिबिलिटी, यानी कि ऐप कंपैटिबिलिटी इसकी मेन क्लास है, और उसके अंदर अब मेन एक्टिविटी आपने एक क्लास उसके साथ इनहेरिट करके और उसके फंक्शन आप ओवरराइड कर रहे होते हो, ठीक है। इस तरह ही जो फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट के अंदर भी आप जो क्लास बनाते हो, ठीक है, उसको आप एक्सटेंड करते हो फ्रेगमेंट के साथ, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्रेगमेंट अपना एक इंडिपेंडेंट क्लास है जिसके अंदर ये फंक्शन पहले से बने हुए हैं और हमने सिर्फ इनको ओवरराइड करना है, ठीक हो गया। इस बात की समझ आई है या कंफ्यूजन है? इस बात पे किसी को कोई एतराज या क्वेश्चन है तो मेरे साथ बोलिए। बड़ी सिंपल सी बात मैंने की है कि आप जिस तरह आपकी मेन एक्टिविटी है, ये आपकी क्लास जो होती है ये इनहेरिट होती है ऐप कंपैटिबिलिटी के साथ, इसी तरह आपकी पीस आप जो फ्रेगमेंट मेन्यू है, फ्रेगमेंट की क्लास होती है, जिसका मैंने ये बनाया है, ये एक्सटेंड की होती है आपने फ्रेगमेंट के साथ इनहेरिट की होती है। और जिस तरह मेन एक्टिविटी के अंदर आपके जो फंक्शन थे ऑन क्रिएट के बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, सिर्फ आपने इनको ओवरराइड करना होता है, इसी तरह फ्रेगमेंट के अंदर भी आपके कुछ फंक्शंस बने होते हैं ऑन क्रिएट, ऑन क्यू क्रिएट व्यू और ऑन व्यू क्रिएटेड, ये बने हुए हैं, सिर्फ आप इनको ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये कॉल कब होते हैं, चले मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लेते फिर उसके बाद हम। ठीक है जी, ये पूरा लाइफ साइकिल। अब जो फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल होता है ये बेसिकली आपके जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होता है उससे ये इसके अंदर फंक्शनलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ ये वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ठीक है, तो लेकिन ये डिपेंडेंट एक्टिविटी है तो ये अपनी एक्टिविटी के इसके अंदर फंक्शनलिटी जो है वो ज्यादा दी, क्योंकि इसका अपना व्यू क्रिएट हो रहा होता है, एक्टिविटी को कोई व्यू क्रिएट नहीं हो रहा होता, एक्टिविटी व्यू लोड कर रही होती है और अपनी कोई रिप्लेस भी नहीं हो रहा होता, उसके पास एक ही व्यू होता है जिसको उसने लोड करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे यह है कि इसका अपना व्यू जो है वो खत्म भी करवाना होता है, डिटैच भी होना होता है, उसका अपना व्यू जो है वो वहाँ पे क्रिएट भी करना होता है, और जब व्यू क्रिएट हो जाता है तो उसके अपने कंपोनेंट्स भी लोड कर देते हैं, ठीक है। एक तो फ्रेगमेंट का अपना पेरेंट व्यू और उसके बाद उसके अंदर भी कंपोनेंट्स लोड होने, तो ये सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंट्स जो हैं, अब एक एक्टिविटी है उसके अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक फ्रेगमेंट
अगर आपने लिस्ट लगाया हुआ है और उसके साथ ऑप्शन लगाया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे मैंने अभी एंड्रॉइड स्टूडियो को बताया था कि साइट पे लिस्ट बनी हुई है और आगे उसकी डिटेल शो हो रही है, जो भी आप फाइल सेलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल आगे शो हो जाती है, तो ये आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। कोई भी दो फ्रेगमेंट आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अपनी एक्टिविटी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्वेश्चन किसका है? चैट में या बेटा इसके बारे में बाद में बात करें। अली हसन, अच्छा जी, और अली हसन मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बाद में बात करते हैं। और शहर बानो, आप मुझे बताएं क्या रिपीट करना, मैं रिपीट कर दूँ। जो फ्रेगमेंट है आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट ने अगर कुछ मैसेज सेंड करना है या कोई भी डाटा शेयर करना है तो वो मेन एक्टिविटी के थ्रू करेगा। अगर इसको भी अगर आप मैं अपने कोड से दिखाऊं, चलो इसके बारे में कोड में दिखाता हूँ, फिलहाल इसको इतना अंडरस्टैंड करने कि एक फ्रेगमेंट डायरेक्टली दूसरे को सेंड नहीं करेगा, फ्रेगमेंट ने इवेंट सेंड करना है मेन को और मेन जो है वो उसको डिस्पैच करेगा फ्रेगमेंट टू के अंदर। लिसनर और डिस्पैचर भी ये काम कर रहे थे। हाँ ठीक है, ये लिसनर होता है एक्टिविटी के अंदर और डिस्पैचर होते हैं। लिसनर क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से इवेंट जो है वो लिसन कर रहे होते हैं और यहाँ से डाटा जो है वो डिस्पैच कर रहे होते हैं या इवेंट डिस्पैच कर रहे होते हैं अपने फ्रेगमेंट की तरफ। अच्छा, इसके अंदर तीन तरह की बाइंडिंग्स होती है, एक तो डायनामिक बाइंडिंग होगी, एक होगी स्टेटिक बाइंडिंग और एक मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी, आपकी डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है? डायनामिक बाइंडिंग होती है जो रन टाइम पे चीजें बाइंड हो रही होती है, डाटा बाइंड हो रहा होता है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, स्क्रीन नजर आ रही है इसकी डॉक्यूमेंट की? ठीक, यस सर, ऐसा शो हो रही है। अच्छा, अब ये देखें, शुरू में जब आपकी स्क्रीन चलेगी तो आपके पास ये तीन फ्रेगमेंट्स, यहाँ दो फ्रेगमेंट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। जब कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगी तो ये एम्प्टी नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये दो फ्रेगमेंट क्या है, दो ऑप्शंस जो हैं आपके पास जो पहले से ही बाइंड है, ये आपके स्टैटिक बाइंड, समझ आ गई? ये आपकी स्टैटिक बाइंडिंग है, जो आपने एक्टिविटी स्टार्ट करते गए उसी वक्त ये चीजें बाइंड हुई, ये आपकी स्टैटिक बाइंडिंग आ गई। अब तीसरा क्या होता है, जब आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस लिहाज से यहाँ पे डाटा बाइंड होगा। ठीक हो गया, रन टाइम के ऊपर आपने फ्रेगमेंट वन सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसका डाटा बाइंड होगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसका डाटा यहाँ पे बाइंड होगा, ये आपकी होगी डायनामिक बाइंड। ठीक है, जो रन टाइम पे चीजें बाइंड हो रही है। 2 मिनट रह गए, चलिए मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सुनिए आप पढ़े। अच्छा, और जब ये हो जाएगा उसके बाद मल्टीपल बाइंडिंग। मल्टीपल बाइंडिंग में क्या होता है कि आपने एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स लगाए हुए। ठीक है जी, ये सारे फ्रेगमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग अ मेन एक्टिविटी, ये आपकी मल्टीपल बाइंडिंग। ठीक है जी, तो आप ये तीनों चीजें, तीनों तरह की बाइंडिंग जो है वो एक सिंगल एक्टिविटी के ऊपर जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है जी, अब आप बाइंड कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें कोड भी दिया हुआ है, एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, इसमें ये इसने ये क्या किया है, एक्टिविटी क्रिएट की है एक, ये आपकी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के ऊपर इसने फ्रेगमेंट की है, फ्रेगमेंटेशन की है। फ्रेगमेंटेशन कैसे की है, इसने इसके ऊपर दो लगा दिए हैं, इसने फ्रेम्स, फ्रेम लेआउट ऐड कर दिए हैं, एक ये फ्रेम लगा दिया, एक ये फ्रेम लगा दिया, नजर आ रहे हैं? एक ये फ्रेम, ये यहां तक, ठीक है, और दूसरा फ्रेम जो है वो ये, दो फ्रेम लगा दिए। अब इनके अंदर वो मतलब उसने अपनी स्क्रीन की फ्रेगमेंटेशन कर दी है, यानी कि यहाँ पे ये लिस्ट शो करवा सकते हैं और यहाँ पे उस लिस्ट आइटम की डिटेल्स शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक एक्टिविटी बनाई, अब इन एक्टिविटी के अंदर हमने दो लेआउट्स लोड करने हैं, एक तो ये
लाइक ये कुछ इस तरह नजर आएगा, एक यहाँ पे लिस्ट नजर आ रही होगी और यहाँ पे हर लिस्ट सिलेक्टेड आइटम का डिटेल्स शो हो रही होगी। ठीक हो गया। अब अगर इसको हमने यहाँ से देखे तो इसने यहाँ पे दो और ये मेन एक्टिविटी आ गई और इसके अंदर ये दो फ्रेगमेंट्स आ गए। ठीक है, एक तो लिस्ट व्यू, ठीक है, आपने लिस्ट व्यू लगा दिया, ठीक है, और दूसरा ये हमारा टाइटल है। एक लिस्ट व्यू लगा दिया उसने जिसके ऊपर लिस्ट आइटम्स आएंगी, और दूसरा आप उसने फ्रेगमेंट बनाया ये वाला। ठीक है, अब ये दो स्क्रीन इंडिपेंडेंट बन गई है और इन दोनों स्क्रीन को वो लोड करेगा अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। ये इसने इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, आपने इस एग्जाम्पल को रन करना है। ठीक है जी, इस एग्जाम्पल को आपने रन करना है खुद। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी जिससे मैं आपको समझाऊंगा वो एग्जाम्पल मेरी है। ठीक है, आप उसकी मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ अभी। ये मीटिंग में दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये एग्जाम्पल आपने देखनी है, लेकिन अभी मैं अपनी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वो कोड भी सेंड करूँगा।